नारनौल में खत्म हुआ पुलिस का डर, खुलेआम हो रही वारदात। नारनौल के मोहल्ला मिश्रवाड़ा में दो पक्षों में हुई लड़ाई, दो लोग बुरी तरह से जख्मी। जख्मी लोगों का आरोप हथौड़े से किया गया हमारे उपवार, वही जख्मी लोगों ने लगाया हवाई फायरिंग करने का भी आरोप। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भले ही नारनौल पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई हो, लेकिन फिर भी अपराधी पुलिस के डर से बेखौफ नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बीती देर रात नारनौल के मोहल्ला मिश्रवाड़ा में दो पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसमें दो युवकों को गंभीर रूप से चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नारनौल के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवकों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा हमारे ऊपर हथौड़े से वार करके हमारे पैर को तोड़ दिया गया और 3 से 4 हवाई फायर भी किए। सर, मैं यहाँ से जा रहा था गुरुद्वारा के पास, सलामपुरा की तरफ, वहाँ पे गुरुद्वारा के पास ये मैं पैसे देने जा रहा था बड़के कोर पे, इसको 5,000 रुपये। इसके पापा का लीव छुट्टे हैं, ऑपरेशन हुआ था इनके पापा का, तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं जा रहा था। जब वहाँ से 5-6 बाइक आई, उस पर 10-12 लड़के थे, उन्होंने मेरे को रोका, रोक के मारने लग गए हथौड़ों से, और दो बंदे ने सेमी ने मेरे ऊपर फायर किया है। दो कट्टे थे उनके पास और एक बंदूक थी। उन्होंने मैंने बोला, मेरे को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? मैं बोला, मेरी और तुम्हारी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने फिर कुछ नहीं सुना, मारने लग गए। उन्होंने हथौड़े से मेरे को मारा। हाँ, सेमी सरदार, मोहित गाठिया जमालपुर, सचिन चौहान खटीक, और क्या नाम है वो, अनिल राव मांदी, काड़ू बाखरी। जी, मैं कहीं जा रहा था, मैं मेरे मामा ने कही थे आखिर, क्योंकि किसी के हाथ पैसे भिजवाए थे 50,000 रुपये, तो मैं वो लेने के लिए जा रहा था। वहाँ पे आए पहले तो एक बाइक, आगे जाने के बाद उन्होंने बोला कि यही था, तो उन्होंने मेरी बाइक की टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद मैं गिर गया, फिर वो सीधा हथौड़ा से और कुहाड़ों से वार करने लग गए। मारने के बाद फिर वहाँ पर उन्होंने फायर मारी, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदे आ रहे थे छुड़वाने के लिए, तो उन्होंने ऐसे बोला कि इसको तो जान से मारेंगे, हट जाओ, जो बीच में आएगा उसको भी मार सकते हैं। पूरे मामले को लेकर जब सिटी SHO से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि झगड़ा हुआ है जिसमें दो लोग घायल हुए हैं, लेकिन हवाई फायरिंग की अभी तक सिटी SHO के द्वारा भी कोई पुष्टि नहीं की गई। सिटी SHO ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो लड़कों को चोट लगी थी, इसमें हमने FIR दर्ज कर ली है, शीघ्र ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, हवाई फायर की भी बात आ रही है तो पुलिस ने अभी तक जांच की होगी, कुछ सामने आ पाया? नहीं, रात की ही बात है, अभी जांच जारी है, जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई हो जाएगी।